द इक्लिप्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा द वर्ल्ड रिमेम्बर्स गैंग का वीडियो वायरल हो जाता है। प्रिंसिपल टीचर चादोक को ये सब हैंडल करने का कहती है और टीचर चादोक आग को ये सब हैंडल करने का कहते हैं। द वर्ल्ड रिमेम्बर्स गैंग फिर से प्रोटेस्ट करती है, टीचर चादोक आग पे और प्रेशर करते हैं। आग और आयान जूडो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आग आयान को मैट पे पिन कर देता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद आग उसके कहे के बारे में सोच रहा होता है कि तुम वेट करो, मैं एविडेंस ढूंढ के उसका प्लान एक्सपोज कर दूंगा, फिर वो एक्सपेल हो जाएगा। हमें फ्लैशबैक दिखता है, कान उसे पूछ रहा होता है तुम ये कैसे ढूंढोगे। आग को आयान की डायरी याद आती है। प्रेजेंट टाइम में उनकी प्रैक्टिस खत्म होती है। आयान आग को पूछता है तुम शावर नहीं कर रहे हैं। आग कहता है तुम जाओ, मैं थोड़ा कूल डाउन होता हूँ। आग चेक करता है कि आयान चला गया और वो उसके लॉकर में उसकी डायरी ढूंढता है। उसे डायरी मिल जाती है और इतने में आयान आता है। कोई प्रॉब्लम है? आग कहता है तुमने अपना लॉकर प्रॉपरली क्लोज नहीं किया था, तुम्हारी नोटबुक गिर रही थी तो मैंने वापस रखी। और आग शावर में जाता है। आयान आता है क्या तुम मेरी चीजें चुरा रहे थे? आग कहता है मैंने कहा नहीं, गेट आउट, लोगों को कोई गलत आइडिया आ जाएगा। आयान कहता है दो मेल दोस्त साथ में शावर ले ये नॉर्मल है, क्या तुमने नहीं किया? आग कहता है मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही करता हूँ और तुम नहीं हो। आयान कहता है तुम्हारे जैसे डमी के साथ मुझे क्लोज भी नहीं होना है। आग कहता है तो जाओ ना। आयान पॉइंट करके कहता है ये मेरी चीजें हैं। वो चीजें लेने आग के बहुत नजदीक जाता है उसकी फ्लर्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके। आग पैनिक करता है और उसे धक्का देता है। आयान वॉल से बाउंस होता है और एक्सीडेंटली आग को किस कर देता है। वो दोनों थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहते हैं। आग उसे धक्का देता है, वो दोनों पैनिक करते हैं। आग आयान को उसकी चीजें देता है और आयान चला जाता है। टीचर्स की मीटिंग होती है। टीचर चादोक कह रहे होते हैं मैंने बहुत कंप्लेंट्स रिसीव की है स्टूडेंट्स और टीचर्स से एक नए स्टूडेंट आयान के मिसबिहेवियर्स के बारे में। टीचर वारी कहती है मुझे पता था ये स्टूडेंट एक ना एक दिन रिपोर्ट होगा। कोई टीचर पूछती है ये वही लड़का है ना जो पैरट में से ट्रांसफर हुआ था? टीचर चादोक हाँ कहते हैं। टीचर वारी कहती है उसे क्लास में ट्रबलिंग क्वेश्चंस पूछना अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता था कि दूसरे टीचर्स यही इशू फेस कर रहे हैं। एक सर कहता है हाँ हम सब भी, आई सपोज ये नए जनरेशन का ट्रेंड है। टीचर वारी कहती है क्या आपका मतलब है एरोगेंट अग्रेसिव और इनअप्रोप्रिएटली नो इट ऑल बनना, ये ट्रेंड की बात कर रहे हैं? कोई और टीचर कहती है आप तो हम जो सोच रहे हैं वही बता रही हैं टीचर वारी। टीचर वारी टीचर चादोक को कहती है आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? टीचर चादोक कहते हैं हम टीचर्स हैं, ऑफकोर्स हमें उसे पॉलिश करने की जरूरत है राइट। आयान के जैसे हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस के स्टूडेंट को दिखाना पड़ेगा हर काबिल आदमी के पीछे दूसरे भी काबिल आदमी होते हैं। टीचर वारी का क्लास चल रहा होता है। वो क्लास को पूछती है हमने जो स्टडी किया है उसके बाद क्या कोई 18th सेंचुरी के जाने माने फिलोसोफर्स को नेम कर सकता है? तो वह हाथ रेस कर रहा होता है। उतने में ही टीचर वारी आयान को आंसर करने के लिए बुलाती है। आयान खड़ा होकर थॉमस हॉब्स का नाम लेता है। टीचर वारी पूछती है उसका आइडियल क्या था? आयान कुछ नहीं कहता है। टीचर वारी कहती है तुम्हें उसका नाम पता है पर तुमने स्टडी नहीं किया है। आयान कहता है हर एक ह्यूमन को लिबर्टी है और फ्रीडम है डिसऑर्डर प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की, इसीलिए वो एक रूलर ढूंढने का अग्री करते हैं ताकि सोसाइटी में पीस हो सके। टीचर वारी कहती है इसका मतलब है कि हमेशा एक रूलर होता है और वो होते हैं जो रूल होते हैं, यही सोसाइटी का नेचर है। बैठ जाओ। आयान बैठता नहीं है। आग उसे बैठने का कहता है। आयान आर्ग्यू करता है हॉब्स के ओपिनियन में जो रूलर था उसकी पावर लोगों ने दी होती है, फोर्स से ली नहीं गई होती है। टीचर वारी कहती है मैंने पूछा नहीं है, अगर तुम्हें इतना ही आंसर करने का शौक है तुम बताओ मुझे मोंटेस्क्यू का प्रिंसिपल क्या था। आयान आंसर देता है पावर्स का सेपरेशन तीन ब्रांचेस में होता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांच। टीचर वारी जॉन लॉक के बारे में पूछती है। आयान आंसर नहीं देता है। टीचर वारी कहती है तुम आंसर नहीं दे सकते ना। थोड़ी देर के बाद आयान आंसर देता है फ्रीडम और लिबर्टी ये ह्यूमन राइट्स है जिसके साथ हर कोई बॉर्न होता है, ये उसका आइडियल था। टीचर वारी कहती है तुम इंटरेस्टिंग हो आयान, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट क्लास में होना क्लास को ज्यादा लाइवलियर बनाता है। मुझे लगता है हमें ऐसे क्वेश्चन आंसर्स और करने चाहिए। पूरे दिन सारे टीचर्स आयान को आंसर करने के लिए बुलाते हैं और वो सब आंसर्स देता है। क्लास खत्म होने के बाद बात कर रहा होता है आज टीचर्स आयान पे कितने हर्ष थे। कान कहता है राइट, मैं पहले तो हंस रहा था, वो कितना कॉकी है, मैंने सोचा ये डिजर्व करता है वो, पर उन्होंने स्टॉप भी नहीं किया। अब मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता है कि मैं हंस रहा था। बात पूछता है तुम्हें लगता है कि आय के साथ जो हो रहा है उसके पीछे कोई है? आग कहता है मुझे नहीं पता, तुम लोग आगे जाओ मैं कैचअप कर लूंगा। आग टीचर चादोक को मिलने जाता है।
सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। क्या आपको पता है कि सारे टीचर्स आयान को पूरे दिन टेस्ट कर रहे थे? टीचर चादोक कुछ नहीं कहते हैं, पर उनके एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि उन्हें पता था। टीचर चादोक कहते हैं, हम उसे एक चांस दे रहे हैं, अगर वो एडजस्ट कर सकता है तो वो कम्प्लीटली सपालों का हो जाएगा, अगर नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है। आक आर्ग्यू करने का ट्राई करता है। टीचर चादोक कहते हैं, पर क्या आक, तुम्हें क्या हुआ है? क्या आयान ने तुम्हें भी ब्रेन वॉश कर दिया है? आक कहता है, नो सर। टीचर चादोक कहते हैं, हमें सपालों के गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करने हैं, ये याद रखो। आक कहता है, यस सर। टीचर चादोक चले जाते हैं। आग टीचर चादोक ने जो कहा उसके बारे में सोच रहा होता है। वो एक ड्रिंक बाय करता है। वो कोर्ट पे आता है जिसके स्टेप्स पे आयान सो रहा होता है। आग उसके बाजू में बैठता है। आयान कहता है, क्या तुम मुझे इतना लव करते हो कि तुम मुझे देखते रहते हो? आग कहता है, नॉनसेंस। आयान बैठ जाता है। वो आग को पूछता है, तुम्हें इसके बारे में पता था है ना? आग पूछता है, किसके बारे में? आयान कहता है, जो टीचर्स मेरे साथ कर रहे थे। आग पूछता है, मुझे कैसे पता होगा? आयान कुछ नहीं कहता है। तो आग कहता है, ये तो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम नॉर्मली इतनी इजीली हार नहीं मानते हो, तो तुमने उन्हें ऐसा करने क्यों दिया? आयान कहता है, यही एक तरीका था जिससे मुझे पता चले कि तुम्हारी स्कूल उनसे क्या करती है जो डिसएग्री करते हैं। आग पूछता है, तुम क्या बोल रहे हो? ये स्कूल ने क्या किया? आयान कहता है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। आग कहता है, मुझे बताओ। आयान कहता है, बोलना बंद करो, मैं थका हुआ हूँ। आग जाने वाला होता है, पर आयान उसका हाथ पकड़ लेता है। आग वापस बैठ जाता है। आयान उसके शोल्डर पे अपना हेड रखता है। वो रो रहा होता है। वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना? आग कुछ नहीं कह पाता। वो आयान के हाथ में उसकी बुक देखता है। आयान जागता है। वो देखता है कि आग ने उसके लिए एक ड्रिंक रखी है। ड्रिंक पे स्टिकी नोट होती है, मुझे नहीं चाहिए था, तुम ले लो। आयान स्माइल करता है। उसके आग से एक आंसू निकलता है। आयान त्वा को देखता है। वो उसे बुलाता है। वो कहता है, तुम ठीक हो? त्वा उसे पूछता है, अभी स्कूल में ही हूँ? आयान कहता है, हाँ। तुम्हारी मॉम तुम्हें पिकअप करने नहीं आ रही? क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? त्वा कहता है, नहीं, उन्हें कुछ काम है, उनकी बजाय मेरे डैड आने वाले हैं। आयान कहता है, तुम्हारे डैड जो यहाँ पे पढ़ते थे? त्वा हाँ कहता है, वो चाहते थे कि मैं यहाँ पे जाऊँ उनके जैसे। आयान उसे पूछता है, तुम ओके हो? त्वा कहता है, हाँ। पर तुम हो क्या? टफ डे था ना? आयान कहता है, हाँ, पर अब मैं ओके हूँ। त्वा उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, पर अगर मैं होता तो मैं रुक जाता। आयान कहता है, मैं नहीं रुकने वाला। त्वा कहता है, फाइन, तो ध्यान रखना। वो बाय कहता है। आयान उसे बुलाता है और उसे सैटरडे की अपॉइंटमेंट के बारे में याद कराता है। आग, कान और वाद प्रीफेक्स क्लब में बात कर रहे होते हैं। कान कह रहा होता है, वो प्रोटेस्टर्स के बिना अब ये स्कूल जैसा लग रहा है। वाद कहता है, टीचर चादोक ने उन्हें पनिश किया था, मुझे लगता है कि उन्हें अपना लेसन मिल गया होगा। कान कहता है, अगर कोई के कान नहीं भरता है तो ये पीसफुल रहेगा। आग कहता है, कोई नहीं करने वाला। आयान भी काफी बैड था। बात कहता है, अगर गैंग से डील हो चुकी है तो टीचर्स का अगला टारगेट आय होगा। आग उसके हाथ टेबल पे मारता है, ये मेथड काम नहीं करेगा। कान खड़ा होता है, तुमने टेबल को हिट क्यों किया? तुम क्या मेथड सजेस्ट कर रहे हो? आग कहता है, मुझे अभी नहीं पता, पर अगर हमें पता चलता है कि उसने स्कूल को क्यों ज्वाइन किया तो हमें पता चल जाएगा कि उसे हैंडल कैसे करना है। वो कहता है कि हमें स्कूल के अंदर कुछ नहीं मिला, तो क्यों हम उसे स्कूल के बाहर फॉलो करें? कान पूछता है, जैसे तुम उसके घर पे गए थे वैसे? आग हाँ कहता है, पर हम उसे हर रोज वीकडेज और वीकेंड्स में फॉलो करेंगे। कान पूछता है, पब्लिक हॉलीडेज का क्या? आग कहता है, वो भी। कान और वाद साय करते हैं। आग पूछता है, क्या तुम लोग ये वीकेंड को फ्री हो? वाद कहता है, मुझे इंडी मूवी फेस्टिवल में जाना है, मैंने ऑलरेडी टिकट खरीद ली है। कान उसे कहता है, तुम तो बच गए। आग कान को कहता है, तब ये तुम्हारे पे है। कान कहता है, मेरी तरफ मत देखो, मुझे ट्यूटरिंग क्लासेस है। आग कहता है, क्या तुम मेरे फ्रेंड हो कान? कान कहता है, हमारी फ्रेंडशिप को इसमें बीच में मत लाओ, मुझे सच में ट्यूशन है और उसके बाद लड़कियों को मिलने भी जाना है। आग कहता है, कान मेरे डियर दोस्त। कान वाद को पकड़ के कहता है, वाद मेरे डियर दोस्त। आग स्माइल करता है। आयान जॉर्ज ऑरवेल की नोवेल 1984 पढ़ रहा होता है। उसे उसकी मॉम का फोन आता है। उसकी मॉम उसे पूछती है, तुम कैसे हो आए? आयान कहता है, अच्छा हूँ, क्या हुआ है? मॉम कहती है, मैंने न्यूज में देखा तुम्हारे स्कूल के प्रोटेस्ट के बारे में, लोग ये पेरेंट्स के ग्रुप चैट में शेयर करना बंद ही नहीं कर रहे हैं, तुम इसमें नहीं थे ना? आयान कहता है, ये प्रोटेस्ट मेरे ज्वाइन होने से पहले हुआ था, क्योंकि ये सिस्टम ही ब्रोकन है, मेरे बिना ऐसी चीज कभी ना कभी तो होने ही वाली थी। उसकी मॉम कहती है,
आए, ये बहुत ही रिस्की है, रुक जाओ, ये सब में इन्वॉल्व मत हो अभी, जाने दो इसे। आयान कहता है, नहीं, मैं अंकल दी को कुछ नहीं के लिए मरने नहीं दूंगा। वो कॉल कट कर देता है। कान और आग कान के कार में होते हैं। कान पूछता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? आग कहता है, सिर्फ करो, हम इससे स्कूल को हेल्प कर सकते हैं। वो आयान की कार को फॉलो करते हैं। आयान एक कैफे पे पहुंचता है। आग पूछता है, तुम्हें क्या लगता है वो किसे मिल रहा है? द वर्ल्ड रिमेम्बर्स गैंग से? कान कहता है, शायद उसे स्कूल में देखे जाने से डर लगता है, तो वो उन्हें यहाँ पे मिल रहा है। आग कहता है, मुझे लगता है वो अपना नेक्स्ट प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं। कान कहता है, प्रोटेस्ट को कॉफी शॉप में प्लान कर रहे हैं? अजीब नहीं है? मे बी वो अपने लवर को मिल रहा है। अब तो मैं क्यूरियस हूँ। ये सुन के आग कार से निकलता है। आयान कैफे में जाता है। कैफे फॉर ऑल की होस्टेस उसे वेलकम करती है। आयान गोल्फ को ग्रीट करता है। गोल्फ उसे कहती है कि जिनको तुम मिल रहे हो वो यहाँ पे है। वो उन्हें थैंक यू कहता है। वो त्वा और उसकी मॉम से मिलता है। क्या आपको बहुत वेट करना पड़ा? तो आकी माम कहती है, बहुत नहीं। आँख और कान कैफे फॉर ऑल में आते हैं। गोल्फ उन्हें वेलकम करती है। वो दोनों नर्वस होते हैं। गोल्फ कहती है, तुम पहली बार आए हो ना? आग कहता है, हाँ। कान अनकंफर्टेबल होता है। गोल्फ कहती है, पहली बार बहुत ही एक्साइटिंग होता है, ये नॉर्मल है। तुम सीट्स पिक कर लो, कोई तुम्हारा ऑर्डर लेने जल्दी आएगा। वो ऑकवर्डली हाँ कहते हैं। कान कैफे में देख के कहता है, ये सच में डाइवर्सिटी का कैफे है। आग अग्री करता है। कान कहता है, हम यहाँ पे रहेंगे तो हम भी स्टेरियोटाइप हो जाएंगे, चलो हम जाते हैं। आग उसे पकड़ता है। कान रुको, अगर हम चले गए तो हमें पता नहीं चलेगा कि आयान किसको मिल रहा है। कान अनकंफर्टेबल होता है। आग को आयान दिख जाता है और वो उसे पॉइंट करता है। वो नोटिस करते हैं कि त्वा उसके साथ है। वो सीट्स पे बैठ जाते हैं और आयान त्वा और उसकी मॉम की बातें सुनते हैं। त्वा की मॉम कहती है, ये कैफे बहुत ही क्यूट है, बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे। त्वा कहता है, इट इज मॉम। आयान कहता है, मैं खुश हूँ कि आपको और त्वापा को ये अच्छा लगा। त्वा की मामा आयान को पूछती है, तुम कैसे कर रहे हो नई स्कूल में, एडजस्ट करना टफ होगा? आयान कहता है, बिल्कुल नहीं, त्वापू बहुत हेल्प करता है। मॉम कहती है, त्वापू हमेशा से एक हेल्पर रहा है। आयान कहता है, वो बहुत ही अच्छा है, पर वो जो भी फील करता है वो अपने आप से ही रखता है ताकि वो दूसरे लोगों को कंफर्टेबल रख सके, कान कह रहा होता है। और अब वो हीरो प्ले कर रहा है। आग उसे कहता है, कान चुप रहो। आयान कह रहा होता है, त्वा तुम जो भी सोच रहे हो या फील करते हो तुम अपनी मॉम से बात कर सकते हो। त्वा उसकी मॉम की तरफ देख नहीं रहा होता है। मॉम पूछती है, ये डैड के बारे में है? त्वा कहता है, नो मॉम, ये कुछ नहीं है, आय बकवास कर रहा है। उसकी मॉम कहती है, जब से मैंने रीमैरी किया है मैंने कभी तुम्हें फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा है, मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्वा कहता है, कुछ गलत नहीं है मॉम। डैड, त्वा आगे कहने को स्ट्रगल करता है, फिर वो कहता है, अच्छे हैं। मॉम कहती है, पर ये उनकी मेथड के बारे में है ना, वो तुम्हारे रियल डैड से बहुत ही डिफरेंट है। मुझे पता है कि मेरा सन पेशेंट और स्ट्रांग है। तो आ कुछ नहीं कहता है और वो उसकी मॉम की तरफ देख भी नहीं पाता है। मॉम कहती है, पर तुम्हें राइट है तुम्हारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। अब वो उसकी मॉम की तरफ देखता है। वो कहती है, मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूं, पर अगर तुम्हारे बारे में हो तो मैं हमेशा सुनूंगी, तुम समझते हो? तो आ कहता है, हाँ। मॉम आय को थैंक करती हैं उन्हें ये सब बताने के लिए। आय कहता है, ऑफ कोर्स, और मैं बहुत सॉरी हूँ अगर मैंने कोई लाइन क्रॉस की हो तो। मॉम कहती है, ये ओके है, मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा अच्छा था। वो पूछती है, क्या मैं अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूँ ताकि हम आगे बात कर सकें? तो वह कहता है, प्लीज डोंट, आपको काम करना है, हम ये घर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मॉम पूछती है, तुम श्योर हो? तो वह नॉट करता है। वो आयान को कहती है, तुम प्लीज उसका ध्यान रखना। आयान कहता है, ऑफ कोर्स। आग कहता है, तो आप बहुत ही अनईजी फील कर रहा होगा। कान कहता है, राइट। आग पूछता है, क्या इसके बारे में उसने तुम्हें कुछ भी बताया? कान हेड नॉट करता है, नहीं। आयान तो आपको पूछता है, क्या तुम ओके हो? तो वह कहता है, हाँ, पहले तो लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है पर अब मैं बहुत रिलीव्ड हूँ। वो सांस लेता है। आयान कहता है, ड्रिंक अप, ये बहुत ही अच्छा है। तो वह उसे पूछता है, क्या तुम यहाँ पे बहुत आते हो? आयान कहता है, मैं आता था, मेरे से क्लोज कोई मुझे यहाँ पे बहुत लाता था। तो वह पूछता है, लाता था? क्या अब तुम क्लोज नहीं हो? आयान पहले तो कुछ नहीं कहता है और फिर वो कहता है, वो मर चुके हैं। तो आ सॉरी कहता है। आयान कहता है, इट्स फाइन। तो आप पूछता है, तुम इसके बाद कहीं पे जा रहे हो? आयान नॉट करता है, हाँ। आयान अंकल दी का जिस क्लिफ साइड से जंप किए थे उसे विजिट करता है और वहाँ पे एक वाइट रोज रखता है। आग ये सब देख रहा होता है। आयान उसका नेकलेस पकड़ के रोता है। अंकल दीका का फ्लैशबैक आता है। वो और आयान कैफे फॉर ऑल में होते हैं। अंकल दीका कह रहे होते हैं, ये मत भूलना आयान कि तुम स्पेशल हो, कभी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो आप बीच पे चल रहा होता है। कान आता है,
तुमने भी क्लास स्किप किया? तो आ कहता है हाँ एक दिन के लिए। कान पूछता है तुम अकेले हो? तो आ कहता है मैं अपनी मॉम के साथ आया था पर वो काम पे गई हैं। कान कहता है चलो हम एक वॉक पे जाते हैं। फिर कान को आइडिया आता है आइसक्रीम खाने चलते हैं। कान तो आ को आइसक्रीम खाने ले जाता है। वो उसे पूछता है क्या तुम अभी भी मुझ पे गुस्सा हो? तो आ कहता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। कान पूछता है तो तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे अराउंड अनकम्फर्टेबल हो। तो आ कहता है मैं समझता हूँ तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें जज करे जैसे वो मुझे जज करते हैं। कान के पास इसके लिए कोई आंसर नहीं होता है क्योंकि उसे पता है कि जो तुआ कह रहा है वो सच है। वो कहता है तुआ तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। तुआ नॉट करता है। कान की आइसक्रीम मेल्ट होना स्टार्ट करती है। तुआ उसे नैपकिन देता है और उसे वाइप करने में हेल्प करता है। आकर कान डॉर्म रूम में होते हैं। कान कहता है मेरी मॉम ने कहा कि डैड अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने ट्यूशन को स्किप किया। आग कहता है वो सिर्फ कंप्लेन ही कर रहे हैं वो तुम्हें बहुत लव करते हैं इसीलिए तो तुम्हें ऐसे स्पॉइल करते हैं। कान का फेस ड्रॉप हो जाता है। वो आग के पास आके बैठता है। तुम्हें लगता है वाह और आए इतने क्लोज है? आग कहता है मुझे कैसे पता होगा। कान कहता है तुमने आज आय को फॉलो किया तुम्हें क्या मिला? क्या वो वर्ल्ड रिमेम्बर्स गैंग के साथ मिला था? आग कहता है नहीं वो किसी को भी नहीं मिला उसने सिर्फ एक क्लिफ की एज पे एक व्हाइट रोज रखा। कान पूछता है क्यों? आग कहता है मुझे नहीं पता पर ये व्हाइट रोज से कुछ याद आता है तुम्हें? उन दोनों को एक साथ रियलाइज होता है टीचर दीका। कान कहता है मुझे अब याद आया टीचर दीका को व्हाइट रोज बहुत पसंद थे मैंने उनके डेस्क पे एक व्हाइट रोज का पॉट भी देखा था जब तक आग कहता है जब तक वो पैरट स्कूल चले गए। कान पूछता है आय और टीचर दीका कैसे कनेक्टेड है? आग कहता है मुझे लगा था कि वो डेट कर रहे हैं और आय ने स्कूल ज्वाइन की उसके बॉयफ्रेंड का रिवेंज लेने के लिए। कान कहता है तुम बहुत सारे सोप ऑपराज देख रहे हैं वो आग ये बकवास प्लॉट है। आग कहता है रुको व्हाट इफ टीचर दीका ही वो है जो आयान को वो कैफे में ले गए थे। कान कहता है पर आय ने कहा कि वो पर्सन मर चुका है। आग कहता है राइट वो दोनों ये सोचना ही नहीं चाहते हैं कि टीचर दीका मर चुके हैं। अगले दिन आग टीचर वारी को मिलता है वो उन्हें कहता है कि उसे आयान के बारे में बात करनी है वो लेटली बिहेव कर रहा है तो क्या आप उसे पनिश करना बंद कर सकते हैं? टीचर वारी कहती है ये तुमने क्या कहा? आग कहता है मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि द प्रीफेक्ट क्लब अब उसका बिहेवियर मॉनिटर करे। टीचर वारी कहती है एक्चुअली मुझे आयान को उतना बैडली पनिश नहीं करना है क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो? आग कहता है मैं हूँ। वारी कहती है तो ये तुम्हारी ड्यूटी है अब। आग थैंक यू कहता है। आयान ये सब देख रहा होता है वो आग को कन्फ्रंट करता है तुमने अभी आंट वारी से क्या कहा? आग नर्वस हो जाता है तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? आयान कहता है वैसे ही जैसे तुम और कान मुझे फॉलो कर रहे थे सैटरडे को स्टूडेंट प्रीफेक्ट। आग कहता है तुम गलत हो मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया है। वो आगे जा रहा होता है आयान उसे रोकता है कहता है कन्फेस कर ही दो। एक बाइक उनकी तरफ आती है आग आयान को बाइक के रास्ते में से पुल करता है वो मूव नहीं करते हैं। आयान कहता है मुझे हग करना है। आग उसे छोड़ देता है मैंने तुम्हें सिर्फ बाइक से बचाया मैं तुम्हें हग नहीं कर रहा था। आयान कहता है श्योर हो इसके बारे में? आग कहता है तुम मुझे थैंक ना कर रहे हो तो बात करना बंद कर दो। आयान उसका हाथ लेता है चलो मेरे साथ। आग कहता है कहाँ पे? आयान कहता है चलो चलो आग। वो आयान के कार पे जाते हैं। आयान आग के सीट बेल्ट की तरफ रीच आउट करता है। आग उसका हाथ पकड़ लेता है मैं खुद कर सकता हूँ। आयान कहता है तुम्हें मेरी कार की तो बहुत जल्दी आदत हो रही है। आग कहता है कोई आदत नहीं हो रही है मैं सिर्फ बकल कर रहा हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम क्या करने वाले हैं? ये कितना दूर है? हम कब वापस आएंगे? आयान आंसर नहीं करता है। वो उन्हें कैफे फॉर ऑल पे ले जाता है। वो कहता है हम पहुँच गए हैं। आग पूछता है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आयान कहता है मुझे कॉफी चाहिए। आग कहता है तो लेके आओ मैं कार में वेट करूंगा। आयान कहता है तुम नहीं कर सकते। आग कहता है ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ मैं क्यों नहीं कर सकता? आग दूसरी तरफ देख रहा होता है। आयान उसको अपनी तरफ पुल करता है और उसे चीक पे किस करता है और वो इसका फोटो लेता है। आग सरप्राइज्ड होता है वो पैनिक करता है तुम ये क्या कर रहे हो? आयान स्माइल करता है और यहाँ पे द इक्लिप्स का फोर्थ एपिसोड खत्म होता है। किसी और को कैफे फॉर ऑल विजिट करने की इच्छा हुई है? ये शो की कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स, मैच्योर सीन्स और सिस्टेमिक इनजस्टिसेस की बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपने वो फिलोसोफर्स का नाम सुना है जिसके बारे में क्लास में टीचर वारी और आयान बात कर रहे थे? आपने थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस के बारे में तो सुना ही होगा। हमें स्कूल में ही सिखाया जाता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांच के बारे में। यह एपिसोड इतना डीप और हैवी था पर यह एपिसोड स्टार्ट होता है आयान के एक दीवार से बाउंस होने से तो इससे हमें पता चलता है कि ये शो में लेयर्स है।
इनमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और क्यों? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।